मंडी में राजकीय महिला महाविद्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम के साथ मनाएगी। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही कॉलेज की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई ताकि 9 नवंबर को होने वाली चुनावों के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर एसडीएम पूजा चौहान ने बताया कि मंडी कॉलेज में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के प्रति आह्वान भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 9 नवंबर को अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। आज 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। आज कॉलेज में इस उपलक्ष्य में सबसे पहले कार्यक्रम जो किया गया वो उनकी मूर्ति को, प्रतिमा को मालार्पण किया गया, उनको प्रणाम करके देश की अखंडता बनाए रखने की एक शपथ बच्चों ने ली, और उसके बाद इलेक्शन को लेकर के एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है जिसको स्वीप कहा जा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि वोटर्स जितने भी हैं वो अपने घरों से निकलें और पोलिंग स्टेशन तक 9 तारीख को पहुंचें और अपना मत अधिकार का प्रयोग करें। अधिक से अधिक मात्रा में ये घरों से निकलें लोग, इसके लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। यदि कोई भी ऐसा विरोध जताना चाहता है कि हमने कैंडिडेट नहीं चुनना है, तो मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो घर से निकलें, पोलिंग स्टेशन पहुंचें और नोटा का बटन दबा करके अपना विरोध जाहिर करें। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है अपना विरोध जाहिर करने का, और घर में ना बैठे रहें। मेरा सबसे यही अपील रहेगी कि घरों से निकल के 9 तारीख को वोट जरूर दें। वहीं राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य आईडी शर्मा ने बताया कि मंडी कॉलेज का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है और आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को यहाँ मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई के नाम पर ही हमारे महाविद्यालय का नामकरण हुआ है। आज के दिन हम लोग सरदार वल्लभ भाई को कृतज्ञ भाव से स्मरण करते हैं, और आज हमारे महाविद्यालय में कई प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सरदार पटेल का विजन और इंडिया एज ए नेशन, ऐसे मुद्दों पे इसमें चर्चा होगी, और उनका विजन आज के समय में कितना प्रासंगिक है इसके ऊपर भी आज हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में इस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे याद दिलाने की आवश्यकता है कि सरदार पटेल का त्याग, उनका परिश्रम और उनका आजादी के आंदोलन में क्या सहयोग रहा। तो आज के दिन हम उनका स्मरण करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखे।